जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका व्यवहार और आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे। वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण, अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है, दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी, उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूरी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी की, या फिर यूं कहें कि गाली गलौज किया, जिसके बाद देश की सियासत जो है वो अपने चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा का चरित्र है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे उस भाषा का कंपेयर जो है, तुलना जो है वो गली के मवाली से किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं गली के मवाली करते हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे बयानों को आप सुनिए। तेजस्वी जी, संसद में जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी एमपी के द्वारा, कितना सही है? अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका व्यवहार और आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने बात कहे हुए हमको नहीं लगता 2-3 दिन हुए, और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी, उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी ना कोई कार्रवाई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती हैं, नाम जो है ऊंचा करती हैं, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं है। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है, दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात। मंत्रिमंडल लगातार बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी, और कह रहे हैं सीताराम येचुरी कल पटना पहुंचे, कल लालू जी से मुलाकात, आप लोग से मुलाकात हुई, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए इंडिया के? नहीं नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है, और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे हैं, और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते, मुलाकात होती रहती है। क्या चीज़ जो बयानबाजी के माध्यम से आपको दिख रहा है, जो नहीं नहीं नहीं, अब कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। सीट शेयरिंग पर सर कुछ कहेंगे? सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इतने बड़े, कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीज़ें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर।